गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एंड स्कॉट पब्लिक स्कूल टुडे वी लर्न अबाउट रोमन न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स इज अ न्यूमरल सिस्टम दैट ऑरिजिनेटेड इन एंशेंट रोम रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है बच्चों एक ऐसा न्यूमरल सिस्टम जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी रोम से एंड वॉज द यूजअल वे ऑफ राइटिंग नंबर्स थ्रू आउट यूरोप और इसी न्यूमरल सिस्टम को यूजअली यूज़ किया जाता था नंबर्स लिखने के लिए पूरे यूरोप में नंबर्स इन दिस सिस्टम आर रिप्रजेंटेड बाई कॉम्बिनेशनस ऑफ लेटर्स फ्रॉम द लेटिन अल्फ़ेट रोमन न्यूबरल सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं जब हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो उनमें जो लेटर्स यूज हैं वो लेटिन अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं लेटिन अल्फ़ाबेट मींस जो भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना जैसे ए बी सी डी ई एंड सो ऑन इन्हीं में से रोमन न्यूमरल के सिंबल्स को भी लिया गया है ग्रेजुअली रोमन न्यूमरल्स बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय अरेबिक न्यूमरल्स समय के साथ साथ जब रोमन न्यूमरल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया उसके बाद धीरे धीरे रोमन न्यूमरल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया बदल दिया गया किससे अरेबिक न्यूमरल से अब अरेबिक न्यूमरल्स क्या है अरेबिक न्यूमरल्स आर द टेन डिजिट्स अरेबिक न्यूमरल्स में टेन डिजिट्स आती हैं कौन कौन सी ज़ीरो टू नाइन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन इन्हें हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं अब पढ़ते हैं रोमन सिंबल्स के बारे में रोमन न्यूमरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेवन लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स अब जिन अल्फ़ाबेट्स की हमने अभी बात की थी उनमें से सेवन लेटर्स को चूज किया गया है रोमन न्यूमरल सिस्टम को बनाने के लिए अब यहाँ पर मेरे सामने एक टेबल है इसमें एक साइड लिखे हैं रोमन न्यूमरल और दूसरी साइड लिखे हैं इन्हीं के हिंदू अरेबिक न्यूमरल दैट मींस रोमन न्यूमरल में कौन सा सिंबल है जो हिंदू अरेबिक का कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है जस्ट लाइक आई आई रिप्रेजेंट करता है वन को वी वी रिप्रेजेंट करता है फाइव को एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है टेन को एल एल रिप्रेजेंट करता है फिफ्टी को सी सी रिप्रेजेंट करता है बच्चों हंड्रेड को D, D रिप्रेजेंट करता है फाइव हंड्रेड को एंड M, M रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड को अगर हम ये सेवन सिंबल्स के अकॉर्डिंग इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लर्न कर लें तो इससे हम कोई भी रोमन न्यूमरल बना सकते हैं अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं फर्स्ट इज अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स जब भी हम रोमन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या लिखते हैं तो उसमें जो सिंबल्स यूज हैं कोई भी सिंबल तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड और ये तीन सिंबल्स वी एल और डी इन्हें कभी भी रिपीट नहीं किया जाता थर्ड इज इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट इट्स वैल्यू इज एडेड कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू कम है स्मॉलर है अगर उसे हम किसी बड़ी वैल्यू के राइट हैंड साइड में लिख दें तो उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है जैसे यहाँ पर हम, हमने लिखा वी आई वी आई मीन्स वी प्लस आई अब क्या है यहाँ पर आई है स्मॉलर आई रिप्रेजेंट करता है वन को और वी है फाइव वी रिप्रेजेंट करता है फाइव को अब I जो है राइट हैंड साइड में लिखा है इसीलिए हम उसकी वैल्यू को एड करेंगे तो फाइव प्लस वन बिकम सिक्स इफ इट इज written टू द लेफ्ट लेकिन अगर स्मॉलर नंबर को लेफ्ट में लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू को सब किया जाता है अब यहाँ पर मैंने लिखा है IV। IV में क्या है बच्चों I स्मॉलर वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है तो इसको हम V से सब करेंगे फाइव माइनस वन दैट इज फोर चलिए अब हम कुछ रोमन न्यूमरल्स लिख लेते हैं सबसे पहले वन वन का रोमन न्यूमरल होता है बच्चों आई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू टू मीन्स टू आई थ्री थ्री मीन्स थ्री आई अब फोर लिखने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट हो सकता है अब हमारा आई थ्री टाइम्स रिपीट हो गया अब हम इसे फोर टाइम रिपीट नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे फोर को सब्टेक्शन वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे फाइव का सिंबल होता है वी तो हम फोर को लिखेंगे आई वी मीन्स फाइव माइनस वन नेक्स्ट इज फाइव फाइव का सिंबल वी सिक्स सिक्स मीन्स क्या होता है फाइव प्लस वन तो वी में वन को प्लस किया वी में आई को प्लस किया बन गया VI. आई नेक्स्ट इज सेवन सेवन मीन्स फाइव प्लस टू एट एट मीन्स फाइव प्लस थ्री तो वी आई 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 नेक्स्ट इज नाइन नाइन मीन्स टेन माइनस वन अब टेन का सिंबल होता है बच्चों एक्स तो एक्स में से हम वन को माइनस कर देंगे ये बन गया आई एक्स दैट इज नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी मीन्स टेन प्लस टेन ट्वेंटी तो हमने लिख दिए टू एक्स थर्टी थर्टी मीन्स थ्री एक्स अब यहाँ x का मैक्सिमम रिपीटिशन हो गया थ्री टाइम्स लिख लिया अब हम उसे रिपीट नहीं करेंगे नेक्स्ट सिंबल हमें दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कैसे फोर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिफ्टी का सिंबल लर्न होना चाहिए जो होता है l। फोर्टी मीन्स क्या है फिफ्टी में से टेन को सप्रेक्ट कर दिया फोर्टी आ गया तो दैट मीन्स एक्स एल एल माइनस

और थर्टी हो गया हमारा थ्री एक्स अब यहाँ पर मैक्सिमम रिपीटेशन हो गया अब हम नाइन्टी में इस सिम्बल को यूज़ नहीं कर सकते नाइन्टी के लिए हमें पहले हंड्रेड का सिम्बल पता होना चाहिए दैट इज सी नाइन्टी मीन्स क्या हो गया हंड्रेड माइनस टेन दैट इज़ एक्स सी मीन्स सी माइनस एक्स हंड्रेड का सी है टू हंड्रेड मीन्स क्या हो गया हंड्रेड प्लस हंड्रेड तो यहाँ पे दो सी आ गए थ्री हंड्रेड मीन्स हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड तो यहाँ हमने सी को लिख दिया थ्री टाइम्स अब ये भी मैक्सिमम रिपीटिशन हो गया अब हम इसे दोबारा नहीं लिख सकते तो फोर हंड्रेड के लिए हमें पहले फाइव हंड्रेड का सिंबल पता होना चाहिए दैट इज डी तो फोर हंड्रेड लिखने के लिए हमने क्या किया फाइव हंड्रेड में से हंड्रेड को सब्जेक्ट कर दिया दैट इज सी टी एंड द लास्ट वन इज थाउजेंड थाउजेंड का सिंबल होता है बच्चों एम राइट इन रोमन न्यूमरल्स अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है हिंदू अरेबिक न्यूमरल है ये जिसे हमें रोमन नंबर्स में लिखना है दैट इज़ सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन मीन्स क्या हो गया बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने आंसर को ईजी बनाने के लिए इसे एक्सपेंड कर देंगे सिक्सटी नाइन मीन्स क्या हो गया सिक्सटी प्लस नाइन अब सिक्सटी का सिंबल के लिए क्या है सिक्सटी कैसे आता है फिफ्टी में टेन को प्लस करके तो फिफ्टी का सिंबल लिया हमने एल टेन का सिंबल हो गया हमारा एक्स और इसमें हमने ऐड कर दिया नाइन के सिंबल को दैट इज आई एक्स विच गिव्स एल एक्स आई एक्स बी पार्ट वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन इसको भी सबसे पहले हम एक्सपेंड कर लेंगे दैट इज हंड्रेड प्लस टेन प्लस फाइव हंड्रेड का सिंबल है सी 10 का X एंड फाइव का वी विच गिव सी एक्स वी देट इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अब यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है जिसमें हमें रोमन सिंबल गिवन है इसे हमें हिंदू अरेबिक की फॉर्म में लिखना है अब क्या करेंगे इसे भी हम सिम्प्लीफाई करने के लिए एक्सपेंड कर देंगे एक्स 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 वी एक्स हमारा थ्री टाइम्स और एक वी x मीन्स होता है टेन तो टेन प्लस टेन प्लस टेन क्या बन गया थर्टी इसमें हमें फाइव को ऐड करना है v का सिंबल फाइव है तो फाइव को ऐड किया तो हमारा बन गया थर्टी फाइव नेक्स्ट पार्ट इज सी एक्स आई आई एक्सप्लेन कर लेते हैं c प्लस एक्स प्लस आई आई सी मीन्स हंड्रेड अब x है टेन का सिंबल और i हो गया टू तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन गया वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आई होप यू अंडरस्टैंड इट